नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 4% के आसपास की रेंज गिरावट हुई है और 30 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। 3.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग आई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि बाजार में भारी गिरावट हुई है। आज के दिन में मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी गिरावट, भारी बिकवाली देखने को मिली है। तो बात करेंगे कि SBI में कहां तक आपको गिरावट एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। इसके हाई से लगातार गिरावट में है स्टॉक आपका, तो क्या आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए, सपोर्ट कहां पर लेगा स्टॉक आपका, और बाजार में जो गिरावट हो रही है उस गिरावट में कहां तक की गिरावट एक्सपेक्ट करो, बिकवाली करनी है या और खरीदारी करें इस गिरावट के बाजार में, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन बैंक है, और PSB में अगर आप देखेंगे तो बैंक काफी अच्छा ट्रेड कर रहा था, काफी अच्छे स्टॉक ट्रेड टारगेट आ रहे थे। HDFC सिक्योरिटीज ने 500 प्लस का टारगेट यहाँ पर ऑलरेडी दिया था, 570 रुपीज के टारगेट ICICI डायरेक्ट ने दे दिए थे। बट अभी अगर आप देखो तो मार्केट में गिरावट की वजह से SBI में गिरावट हो रही है। तो साफ है, सवाल तो आता है हमारे सबके मन में कि यार करना क्या है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि खरीदारी कर ली है, ऐसा तो नहीं कि दोबारा फिर 400 के आसपास ट्रेड करने लगेगा, क्योंकि पर स्टॉक अगर 100 रुपीज के आसपास का लॉस अगर आपको होता है तो काफी बड़ा लॉस हो जाएगा। और कब तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, गिरावट कब तक चलने वाली है। सबसे पहले बात करें कि बाजार में गिरावट के पीछे के कारण क्या है। तो अगर आप FII की बात करें, सबसे पहले रीजन है FII लगातार बिकवाली में है। 1 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर यानी आज तक लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर डंप कर चुके हैं, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो बाजार में SBI ही नहीं, बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जिनमें लगातार तेजी से गिरावट हुई है। दूसरे रीजन की बात करें तो IPOs काफी आए हैं रिसेंटली, और उनमें से एक था पेटीएम का भी। पेटीएम हो गया, सफायर हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, बहुत सारे IPOs लॉन्च हुए और मोस्ट ऑफ द IPOs जो रहे हैं वो काफी फेलियर रहे हैं। रिटेलर्स का काफी पैसा उनमें डूबा है और इसी वजह से रिटेलर्स इस समय काफी नाराज हैं और बाजार में काफी भारी बिकवाली रिटेलर्स की तरफ से भी आई है। 2-3 कारणों में अगर आप बात करें तो ये 2 कारण सबसे मेन रहे हैं जिसकी वजह से बाजार लगातार गिरावट में रहा है। पेटीएम जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन IPOs रहा हमारा, जो कि सबसे बड़ा IPO रहा है आज तक का, उसमें अगर इतनी भारी गिरावट होती है, पिछले 5 दिनों में 30% गिरावट हो, तो रिटेलर्स डिसअपॉइंट होकर पैसा निकालते हैं। और वही हुआ है SBI के साथ हो या बाजार के साथ हो, भारी बिकवाली प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में देखने को मिली और ये जो गिरावट है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। 450 तक के लेवल्स यहाँ पर SBI में आते हुए दिखाई देगी। अगर आप टारगेट की बात करें तो प्रीवियस हाई 540-530 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, वंस द मार्केट स्टार्ट्स गेनिंग सम पॉइंट्स, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। बाजार की अगर आप बात करें तो बाजार में देखो यार इस समय काफी गिरावट की उम्मीद आप कर लो। यहाँ पे 16,700 16,800 तक के लेवल्स यहाँ पे निफ्टी 50 दिखा देगा आपको, और 36,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। बाजार में गिरावट है और बाजार के ट्रेंड को रिस्पेक्ट करो, यहाँ पर उन स्टॉक्स में खरीदारी करो जो स्ट्रांग कंपनीज है, जो आपको गिरावट के बाजार में या तो न्यूट्रल रहेंगी या बहुत कम गिरावट दिखाई देगी, और SBI इज वन ऑफ दोज कंपनीज। ये रेंज आप मान लो कि ये रेंज में भी अगर रहता है आपका स्टॉक और जल्दी ही बाउंस बैक आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो भी आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है। स्टॉक अच्छा है, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी आपको। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स काफी ठीक ठाक रहते हैं, बाजार में गिरावट है इस वजह से गिरावट है, और बाजार की जो गिरावट है वो टोटली एक्सटर्नल रिजल्ट्स की वजह से है, तो बिल्कुल यहाँ पे कंपनी को होल्ड किया जा सकता है, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी आपको। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो ही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट भी अगर कुछ पूछना हो तो।